के दशहरा मैदान स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के ब्रांच मैनेजर ने अपनी गलती छुपाने के लिए एक ऐसी कहानी बनाई जिससे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गोल्ड लोन के मामले में मैनेजर ने कैसे ग्राहक को परेशान किया और फिर फिल्मी स्टाइल में चोरी की कहानी सुनाई, आइए आपको बताते हैं। व्यू टू। यह मामला उज्जैन के बैंक ऑफ इंडिया की दशहरा मैदान शाखा का है, जहां एक ग्राहक के साथ अनोखी धोखाधड़ी हुई। दरअसल रेनू पांडे, जो कि बांसखेड़ी तहसील घटिया जिला उज्जैन की रहने वाली है, उन्होंने 3 साल पहले 30 लाख का सोना बैंक में जमा कराकर 9 लाख का लोन लिया और फिर जब वह ब्याज लोन चुकाने गई तो बैंक मैनेजर ने पहले तो बहुत दिन तक बैंक के चक्कर खिलाए और बाद में उसे सोने के स्थान पर नगद लेने का दबाव बनाने लगे, जिससे परेशान होकर ग्राहक रेनू ने माधवनगर थाने में 21 अक्टूबर को बैंक मैनेजर के खिलाफ एक आवेदन दिया था। इस मामले में फरियादी रेनू ने एसपी सचिन अतुलकर से निष्पक्ष जांच की मांग की और जब एसपी ने मामले को संज्ञान में लेकर माधवनगर थाना प्रभारी राकेश मोदी को जांच के आदेश दिए तो अचानक सोमवार सुबह चौंका देने वाली घटना घटी और चोर ने बैंक की खिड़की से रेनू का सोना बैंक के अंदर ही फेंक दिया। इस मामले में बैंक मैनेजर अनिल ने बताया कि जब वह सुबह बैंक में आए तो वहां एक पुड़िया मिली जिसमें लगभग 400 ग्राम सोना था, जिसकी सूचना माधवनगर थाने को दी गई है और पुलिस की एक टीम जांच के लिए भी आ गई है। इधर सीएसपी रविंद्र वर्मा का कहना है कि कुछ दिन से यह मामला पुलिस के पास आया था, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही थी कि सोमवार सुबह करीब 6 बजे एक अज्ञात व्यक्ति बैंक की खिड़की के पास आया और बैंक में सोना फेंक कर चला गया, जिसकी पहचान की जा रही है। पुलिस का मानना है कि वह बैंक का ही कोई अधिकारी या कर्मचारी हो सकता है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी देख लिए गए हैं। व्यक्ति की पहचान जल्द ही की जाएगी। जो हम लोगों ने जो भी एक खुला ब्रांच खोला, तब मैं मेरे साथ में रवि करके हमारे सप्ताह है और एक अंकित करके सप्ताह है, हम जब तीनों अंदर आए तो अंकित ने देखा कि चेयर पे जो है वहाँ पे एक पैकेट पड़ा हुआ है, तो उसने वो खोला, वो देखा तो उसने खोलने के बाद में पाया कि उसमें वो है गोल्ड है, तो मैंने उसको बोला कि कुछ भी खोलना नहीं, इसको ऐसे रख देना है ना। तो उसके बाद में हमने फिर हमारे जोनल ऑफिस को बताया, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, और फिर पुलिस को बुलाया, तो फिर पुलिस के तहकीक चालू है। वो जो पैकेट जो है उसने वो खिड़की के माध्यम से अंदर डाला हुआ है। कोई सोना डाल के गया अंदर, कितने का कीमती होगा? वो तो 9 लाख का उसका लोन था, 12 लाख का वैल्यू था। बैंक ऑफ इंडिया में गोल्ड लोन लिया था, महिला है, रेनू नाम की महिला है, उसने गोल्ड लोन लिया था। गोल्ड लोन चुकाने के बाद वो वापस अपना गोल्ड यहाँ लेने आया, तो गोल्ड यहाँ से गायब मिला। उसने आवेदन दिया था थाने में, उसके बाद हमने जाँच करी। जाँच के बाद आज ये सामने आया कि एक व्यक्ति सुबह 6 बजे के तकरीबन आया और लगभग 350 के ग्राम के लगभग सोना यहाँ खिड़की के थ्रू फेंक कर चला गया। तो अभी जांच चल रही है, अब सामने आएगा कि वो व्यक्ति कौन था।